हमारा हो चुका है और ड्राइविंग सीट पर अब सचिदा आ गई हैं। तो असन गांव पे हमने ब्रेकफास्ट किया मैकडोनल्ड्स में, शुभ सागर रेस्टोरेंट में, और अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी कसारा घाट लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास है। चैनल और मैं हूँ क्रेजी सचिदा और आज हम जा रहे हैं मुंबई से गुजरात के हिल स्टेशन सापुतारा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सापुतारा जाने के लिए। तो रास्ते में रोड कंडीशन और कहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया, कहाँ पे लंच किया, वो सब एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ शेयर करते हुए। चलते हैं, तो लेट्स गो टू सापुतारा। तो आप देख सकते हैं करेक्ट 5 बज चुका है और हम आ चुके हैं वंडर के पास। तो आज वंडर हमको लेके जा रही है सापुतारा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस हिल स्टेशन पे जाने के लिए। तो हबी जी ने सामान पैक कर दिया है और आज हमारी टाइगर भी हमारे साथ जा रही है क्योंकि हमने टाइगर को भी अपने साथ ले लिया है। और देखते हैं हिल स्टेशन पे राइडिंग भी करने का हमारा प्लान है, तो वो सब ब्लॉग के थ्रू आपको पता चलता जाएगा कि हम वहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए और बने रहिए हमारे साथ एक्साइटिंग क्रेजी वाले सच्चिदा के ब्लॉग। चलिए स्वामी आपको लेके चलती हूँ सापुतारा। मीटर कर दिया है हमने 00 सेट और टाइम हुआ है 5:11। मुंबई से सापुतारा का कितना डिस्टेंस होता है वो आपको ब्लॉग के एंड में पता चलेगा। तो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिए और बिना किसी देरी के अब अपनी जर्नी स्टार्ट करती गणपति बप्पा मोरया। तो हमने पकड़ लिया है फ्रीवे, एंटर कर चुके हैं और टाइम भी हुआ है 5:26। मिनट हो गए हैं और हम पहुंच रहे हैं मोलंड टोल प्लाजा पे। तो ये हमारा पहला टोल प्लाजा है आज का, आज की जर्नी का फर्स्ट टोल प्लाजा हम आ चुके हैं, आ चुका है और स्मूथ। तो यहाँ से जाएंगे थाने, थाने से कसारा घाट होते हुए इगतपुरी होते हुए नासिक और नासिक से फिर हम बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज की डेस्टिनेशन में एक और हमारे लिए थोड़ा सा सरप्राइज जगह हबी जी लेके जा रहे हैं और वो आगे आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमने मुलुंड टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है और टाइम भी हो गया है 6:00 सुबह सुबह। तो इधर बारिश हुई है, काफी रोड गीला है, उधर तो बारिश नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, बट यहाँ पर बारिश भी है अभी बंद है फिलहाल। तो हबी जी कैसा लग रहा है? तो हमको घर से निकले हुए 50 मिनट हो चुके हैं और हमने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है जिसमें हमने मुलुंड टोल प्लाजा को क्रॉस कर दिया है और टाइम भी हो गया है पूरा 6:05। तो इधर हल्की हल्की बारिश हुई है, रोड गीला है और मौसम काफी सुहाना है। तो हम अब अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और काफी मैं एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर के। तो बने रहिए ब्लॉग को एंड तक वॉच की। तो हम लोग पहुंच चुके हैं थाने और टाइम भी हो गया है 6:05। तो इधर तो बारिश काफी हुई है, रोड एकदम गीला है और बाइक पर हमारा कंटिन्यू चलते जा रहा है क्योंकि फुहारे जैसा
मौसम है यहाँ का और बारिश के सीजन में तो ड्राइविंग करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफी अद्भुत रहता है। ये है पोपट, ऐसा देखने से लगता है लुक कि आ गया है टोल प्लाजा, बट ये टोल प्लाजा नहीं है। आसमान बादलों से घिरा हुआ, बारिश की बूंदे बारिश की बूंदों की छटा बिखेरता हुआ, हमारा मौसम जो है इस तरह से करवट बदल रहा है पल पल में। तो हम यहाँ पर जाम में काफी फंस चुके हैं, इधर उधर जगह नहीं मिल रही है कि हम निकले, धीरे धीरे लोग इधर उधर गुजार रहे हैं, तो ट्रैफिक बढ़ गया है काफी। और अभी डाइवर्जन्स है इस रोड पे काफी, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन उसकी वजह से। और अभी टाइम तो 6:30 हुआ है, टाइम 6:30 हुआ है और हमने डिस्टेंस तो कवर कर लिया, वो 55 किलोमीटर है। तो ब्रिज है, नैरो ब्रिज होने की वजह से ट्रैफिक थोड़ा स्लो हो जाता है, जो ट्रक वगैरह भारी वाहनों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए जाम की कंडीशन। तो हम लोग इस बार अपनी ट्रिप में साइकिल भी लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आपको दिख रही होगी हमारे पीछे हमने साइकिल को भी बांध रखा है। और हमारी ये छोटी ट्रिप है, मतलब 2 दिन की ट्रिप है, आज हम जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों हम वापस आएंगे। तो मुंबई से सापुतारा का जो डिस्टेंस है वो लगभग 250 किलोमीटर का है, तो हमने सोचा कि ये एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करें, अगर ये हमारा बेहतर रहा तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर कुछ हमें ऐसा लगा कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है मिशन हमारा, तो हम आगे इसको कैरी नहीं करेंगे। नहीं, जनरली जो भी पास की जो जगह होंगी 200-250 किलोमीटर की रेंज में, तो वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि फिर साइकिल भी लेके जाएं, तो वहाँ पर अपना साइकिलिंग भी कंटिन्यू रहेगी। और हमें टाइम भी हो चुका है 1 hour 45 minutes ड्राइविंग करते हुए, और जो डिस्टेंस हमने अभी तक कवर कर लिया है वो 66 किलोमीटर है। रोड बीच बीच में काफी खराब है, तो रोड की कंडीशन बहुत खराब है इधर, तालाब है पूरा, कहां से निकलेंगे। तो सेकंड टोल प्लाजा हमें मिल गया है, देखना 140 रुपए पे करो स्वामी। और हम एक्सप्लोर करने निकले हैं वेस्टर्न घाट्स को, तो मॉनसून में आपको और भी दिख रहा होगा चारों तरफ हरियाली ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे चला जाए और गुजरात के अकेले हिल स्टेशन को एक्सप्लोर किया जाए कि मॉनसून में कैसा माहौल है, कैसे वाटरफॉल्स हैं वहां पर। टाइम भी हो गया 7:30, तो ब्रेकफास्ट के लिए रुकने का टाइम है, फूड वॉशरूम वगैरह सब सही मिल जाता है। तो हमने ले लिया है ब्रेक, और हमको लगभग 2.5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद आ गया है, मिल गया है जगह जो हमारी फेवरेट जगह है, मैकडोनल्ड। यहाँ पर हमें ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ी देर ब्रेक के बाद ड्राइविंग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फूड एंजॉय करते हैं। हमने ऑर्डर कर दिया है, मैंने लिया है ओनियन टोमेटो उत्तपम, और हबी जी ने लिया है मेदू बड़ा एयरपोर्ट मील। ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, फिर इसके बाद पिएंगे चाय। ब्रेकफास्ट के बाद चाय कंपल्सरी है हमारे लिए। तो हबी जी का तो सुपर फास्ट ब्रेकफास्ट आ चुका है, एक है मेदू बड़ा एंड एक है इडली। तो चख के बताओ कैसा है स्वाद। यहाँ पर तो हमने बहुत बार टेस्ट लिया है, तो यहाँ का फ्लेवर हमें पसंद है, नहीं कैसा लगा तुमको खाता देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगा। चलो कोई नहीं, आप खाओ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ।
चाय हमारी आ चुकी है स्टील के ग्लास और कटोरी में है चाय। 312 इसमें हमने लिया मेदू बड़ा एंड इडली और एक कप दूध चाय। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है और ड्राइविंग सीट पर अब सचिदा आ गई हैं। तो असन गांव पे हमने ब्रेकफास्ट किया मैकडोनल्ड्स में सुख सागर रेस्टोरेंट में और अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी कसारा घाट लगभग 30 किलोमीटर्स के आसपास है और हल्की हल्की सी धूप निकल रही है अभी बादलों को चीरते हुए सूरज आ रहे हैं। यस तो ब्रेकफास्ट अच्छा था तो अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट या लंच या कुछ भी ब्रेक ले सकते हैं वॉशरूम जिस समय यहाँ पर आते हैं उस समय के लिए ये काफी अच्छा है ब्रेक लेने का। और आगे आप पहाड़ देख ही रहे होंगे अब पहाड़ शुरू ही होने वाले हैं घाट सामने आपको दिख रहे होंगे बड़े बड़े पहाड़ उन्हीं पहाड़ों को हमें क्रॉस करना है और वो है कसारा घाट के पहाड़। yes. ये पूरा वेस्टर्न घाट है और मौसम काफी अच्छा है पूरा ग्रीनरी है हरियाली है बड़ा अच्छा लग रहा है बीच बीच में बारिश की बूंदें गिर रही हैं और हम लोग हैं इस समय कसारा घाट में। तो लास्ट टाइम आपने देखा ही था कि काफी फॉग था यहाँ पर अभी इस टाइम देखते हैं कि कैसा वेदर रहता है यहाँ पर बारिश तो हो रही है बारिश होने से क्या है कि क्लियर रहता है मौसम थोड़ा सा उतना फॉगी नहीं रहता बट उस दिन हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो बादलों ने पूरा कोहराम मचा रखा था पूरा नीचे आ गए थे गाड़ी के आगे ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम हो और धुंध का प्रकोप हो। आज तो बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से मौसम वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं लग रहा है कि लाइट जला के आपको ड्राइविंग करनी पड़े। बट फिर भी प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन के साथ ड्राइविंग करनी ही पड़ती है क्योंकि बारिश और ये घाट्स में आपको ड्राइविंग पे थोड़ा सा अलर्टनेस बढ़ा देती है। ए जाते हुए लम्हो जरा ठहरो वादियों से। तो आज तो मौसम क्लियर है इधर कसारा घाट में। यस और आप वाटरफॉल्स भी दिखेंगे वाटरफॉल आ गया हमारे राइट साइड वाओ। तो हम भयंकर जाम में फंसे हुए हैं अभी भी कसारा घाट के और लगभग 4 घंटे की हमारी ड्राइविंग होने वाली है और जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो बस 135 किलोमीटर ओनली। यस ओनली गूगल दिखा रहा है कि 3.5 घंटे लगेंगे हमें और 144 किलोमीटर से नो प्रॉब्लम हम तो इस हसीन मौसम के दीवाने हैं और हम इसी को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। तो कसारा घाट तो हमेशा हमें ऐसे ही एंजॉय कराता है ट्रैफिक के साथ। और वैभव चला हमें कसारा घाट के ब्यूटीफुल व्यूज एक्सप्लोर करने के लिए और मजा आ रहा है वाओ वैभव
ब्यूटीफुल। अभी हमने कसारा घाट के खूबसूरत नजारे ड्रोन शॉट से लिए, तो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज। और मुझे तो बड़ा मजा आया यहाँ की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने में और शूट करने में स्पेशली। तो अभी हम आ चुके हैं इगतपुरी और अब चल रहे हैं मुंबई आगरा हाईवे पे। यस, अब नासिक और नासिक के बाद आएगा सापुतारा। तो कहाँ से टर्न लेना है नासिक के बाद, इस हाईवे को हम कहाँ से छोड़ेंगे ये आगे आपको अभी पता चलेगा। और समृद्धि एक्सप्रेस वे के लिए भी यहाँ से कट आने वाला है आगे। तो अगर आप नागपुर की तरफ जा रहे हैं तो आगे से आपको राइट टर्न लेना है। तो इन पहाड़ों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर धाम के दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि तीनों पहाड़ सिमिलर ग्रीनरी और डिजाइन देखो कितना सोना लग रहा है। ये बारिश के सीजन में इतने सोने लगते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन खूबसूरत पहाड़ों के नजारों को। ये आ चुका है गोटी टोल प्लाजा। अभी नदी जाना है, वेलकम टू वंडर बोलो वंडर। टोल क्रॉस कर लिया है, गोटी टोल प्लाजा के बाद काफी रोड खराब है, लगभग 2 किलोमीटर तक एकदम डेंजरस रोड है। इसके बाद तो अब ये मिल गया है हमें मक्खन मलाई। ऐसे रोड को तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ मक्खन मलाई, जो आपको स्मूथ ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देता है और आपको बहुत आनंद आता है। अब थोड़ा सा जान में जान आ गई ऐसे रोड के लिए, मैं काफी देर से तरस रही थी क्योंकि रोड बहुत गंदा है बीच बीच में और नजर ना लग जाए वही हो जाता है बीच बीच में। जैसे ही मैं तारीफ करने लगी वैसे ही यहाँ भी पैचेस का सामना करना पड़ गया हमें। नासिक 23 किलोमीटर, तो नासिक बचा है 23 किलोमीटर, इंदौर है 440 और आगरा है 1046 किलोमीटर। तो हमको लगभग 5.5 घंटे ड्राइविंग करते हो गए हैं और जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो 191 किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर किया है। और हमारी वंडर एवरेज स्पीड आज नहीं ज़्यादा दे पा रही है, 32 का एवरेज स्पीड है हमारी वंडर का। और हम पहुंच चुके हैं अभी नासिक, तो टाइम हो गया 11:22। जो अभी हमारा डेस्टिनेशन है वो 82 किलोमीटर है, तो अभी भी लगभग 1.5 घंटे दिखा रहा है। तो मौसम तो अच्छा है, मौसम का कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में रोड काफी खराब है जिसकी वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, स्पीड नहीं मिल पा रही है।
और अब हम यहाँ से ले रहे हैं लेफ्ट टर्न। हमने सापुतारा की तरफ टर्न ले लिया है। सप्तशृंगी माता का सप्तशृंगी गढ़ है 45 किलोमीटर और सापुतारा है 59। तो हम जाएंगे पहले सप्तशृंगी और वहां पर जो शक्तिपीठ है उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद जाएंगे सापुतारा। तो अब जा रहे हैं सप्तशृंगी माता के दर्शन करने के लिए और ये अनडिवाइडेड टू लेन रोड है, सीमेंटेड है, तो अभी तक की तो रोड कंडीशंस अच्छे हैं और अभी 36 किलोमीटर्स दिखा रहा है गूगल के है, तो होपफुली महाराष्ट्र का पोर्शन तो अच्छा ही रहेगा। तो सप्तशृंगी माता महाराष्ट्र के अंदर है और ये है एक शक्तिपीठ। तो हम माता ने आज बुला लिया है और हम उनके दरबार जा रहे हैं, माता का बुलावा आया है और आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ शक्तिपीठ सप्तशृंगी माता के दरबार। देखो कितना वाटरफॉल, ओ कितने सारे वाटरफॉल दिख रहे हो। कैमरे में कवर हो रहे कि नहीं, मगर आगे सुकून मिल रहा है, आंखों को सुकून देने वाले ये वाटरफॉल पहाड़ों से हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। के साथ इस समय घूम रहे हैं और हमारे चारों तरफ हरियाली से सजे हुए ये बागान है। वाओ, मन को मोहने वाले ये रोड काफी अच्छा है, सुकून देने वाला। वही ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अद्भुत है सचिदा का, स्पीचलेस। जय माता दी, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ सार्थके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सुस्वागतम। तो टाइम हुआ है 12:59। तो हम 1 बजे माता के मेन गेट से एंटर हुए हैं और सामने का क्या अद्भुत नजारा है। ऐसा लग ही रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए। वाओ, क्या सीन है, घाट है, पूरा घाट। Yes.
सीन ब्यूटीफुल है। ओ, ऐसा लग रहा है कि मुकुट पहन रखा है बादलों का इन पर्वतों ने। तो सप्त श्रृंगी माता के दरबार पे आज मैं जा रही हूँ और आज है हरतालिका तीज। तो मुझे नहीं पता था बट माँ ने मेरे लिए आज का दिन चुना था कि सचिदा आज के दिन तुम मेरे दरबार आना। और आज के दिन उन्होंने बिना हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे जाना है, बट अचानक मेरे भोले भंडारी ने मुझे माता के दर्शन के लिए मतलब कह सकते हो कि चुनाव कर लिया, चुन लिया। उस दिन जब आपने बोला ना तभी तो मैंने बोला साइड का व्यू बड़ा सोना है, बादलों से एकदम कवर्ड है सारे पहाड़ और हम बहुत हाई पे आ चुके हैं, है ना। बादल किस तरह से उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे धुआं हो, धुआं आग लगी हो। तो ये प्रकृति के नजारे हैं जो अप्रतिम है। स्वामी कैसा लग रहा है? यस, काफी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचर के करीब हैं हम लोग। और जो वेस्टर्न घाट्स की खूबसूरती है वो बिल्कुल लाजवाब है। यस, तो यहाँ लग रहा है हमसे टोल वसूला जाएगा। कितने रुपए है फुटकर है? नहीं, थांबा थांबा। यस, तो ये माँ के धाम जाने वाला रोप वे है। नहीं, ये क्या सुन के महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो महादेव जी के दर्शन हो गए हमारे माता रानी के धाम जाने से पहले ही। कर्पूर गौरव करना अवधारण संसार पसंद करना पूछ लेना। अभी कितना देर में हो रहा है दर्शन प्रोफेसर? 40 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, पैसे बाद में देने। तो वो ऊपर माता का भवन है और हमने अपनी वंडर को यहाँ पर पार्क कर दिया है। तो माँ का आशीर्वाद यहीं से वंडर ले रही है और हम लेके आए हैं अपनी टाइगर को भी। तो हबी जी ने यहाँ गाड़ी पार्क कर दी है और अब चलते हैं माता के धाम। और देखो माता के धाम के ऊपर कितना सोना व्यू है। पहुँच चुके हैं सप्तश्रृंगी धाम में और हमने अपनी गाड़ी भी लगा दी है पार्किंग में। अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको हम ज्वाइन करेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय, टेक केयर, थम्स अप, जय माता दी।